पार्ले जी की पेटी लिए घूम रहे, रो काए को रहे, हमारे पास आना है बेटा, अगर हमने तुम्हें बुला लिया तो बाकी प्राण नहीं खा जाएंगे हमारे, चला जा रोना, चुप हो जा, यही से आ जा सीधा आ, अरे गिर मत ठटरी के बरे, अब ज्यादा एक्साइटेड ना हो, आ जा। जो धाम के मंडल आए हैं, हमको नीतेंद्र जी ने जानकारी दी है, मंडलों को अगर हम मंच पर बुला लेंगे तो फिर बाकी लोगों को दिक्कत होगी, हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी लाइन को अवरुद्ध करके एक एक मंडल के सभी सदस्यों को हमारे सामने से गुजारना है। सागर मंडल आया है, पन्ना मंडल आया है, कहाँ है पन्ना मंडल? पन्ना मंडल है, सागर मंडल है, सभी मंडलों का हम स्वागत करते हैं। जय सियाराम। यहां से सीधे चलते चले जाएंगे। हाँ सुनाइए, पांव परो मुड़ धर के, बाय 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 बाय, अरे 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 मोरी हाथ टूट, नसें टूट जाए, ऐसा ना कर, कहां को आए, खड़ो हो जा, खड़ो हो जा, खड़ो हो जा, कपड़े इधर आ, काय को रो रहा हो, माइक देना। हाँ अब बोल, हम इंदौर में आए थे कनकेश्वर धाम में मिलने, फिर हम आगे बैठे थे, नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाए, आज मिल लिया, खुश हो? अरे भाई खुश रहा, जाओ जुग जुग जियो। एक मिनट, हाँ क्या किया था, माइक से बोलो। चार परिक्रमा मारी थी जंजीर मार के, जंजीर मार के चार परिक्रमा मारी, किस लिए? हमने सर गुरु जी के काम में उल्टे सीधे काम करो तो जल्दी बुलाते, और आज बुला लिया सन्यासी बाबा की कृपा से। देखो तो इस मूर्ख को, नक कटा, ऐसे ना किया करो, गलत लिखा है, गा लिखना चाहिए, यहाँ हमने घा लिखवा लिया, कोई नहीं अब जो है अच्छा। हाँ हाँ एक मिनट, आराम से बेटा, आराम से, परिकर के हैं धाम के, सस्य मंडल है, छतरपुर मंडल है, आओ बहन जी, ठीक हो वंदना बहन, जय 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 जय, लड्डू दे दियो वंदना बहन, जय हो माता, खुश रहो, जय हो, स्वागत, जय हो, आशीर्वाद। कोई नहीं अब तुम 18-19 में हम तुम्हें दीक्षा दे देवी, ठीक, अब उपद्रव ना करियो, रोजियो ना, इसको आज ही दीक्षा करवा दो, ठीक है आज ही करवाए दे रहे, खुश जा, भोजन कर ले, कौन पढ़ाई छोड़वाए, हमारी तो जिंदगी बेकार ही है, हमने अगर पढ़ लिया होता तो कुछ बन ना गए होते। हाँ बच्चों सुनाओ, अब तुम्हारी बारी है, इन्हें माइक दो, भजन संध्या चलने दो, अब जब तक सागर मंडल वाले आ गए, पन्ना मंडल थोड़ा रोक दीजिएगा, अब यहां से पन्ना मंडल, बॉबी आओ बेटा, आ जाओ बच्चों, बहुत अच्छा, आने दो, वहां से प्रवेश करवाइए पन्ना मंडल को, नितिन तुम्हें बताना पड़ेगा, जय जय कक्का, राम राम।
भगवान की। हाँ सामने आने देना। एक बहुत ही छोटे महंत जी आए हैं, जरा आप खड़े हो जाओ महाराज जी, सबको दर्शन हो जाए। बाल महंत राघव दास जी महाराज चित्रकूट से आए हैं, हनुमानगढ़ी के हैं। कितनी वर्ष आयु है आपकी? 2008 का आपका जन्म है। और साधु कितने वर्ष में बन गए थे? जी 8 वर्ष। 8 वर्ष में साधु बन गए। हो हो हो, तो आपने विरक्ति ले ली है जी महाराज जी। विरक्त हो गए जी। ब्याह आए कुछ भी नहीं अब होना जी महाराज जी। वाह, जोरदार ताली बजा करके महंत जी का स्वागत करो। और ये भी कट्टर हिंदुत्व वाले फायर विग्रह बाबा हैं, बहुत सारे। हाँ कुछ बोलो, 1 मिनट बोल दो, फिर हम आपकी भजन संध्या आपको सुनाएंगे। ठीक है। जय श्री राम। सागर मंडल बल बजरंग बली की, बल बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। कुछ बोलना है महाराज जी? आपका जन्मदिन है इसलिए हार्दिक शुभकामनाएं आपके श्री चरणों में, साष्टांग प्रणाम। और हम चित्रकूट से भी महाराज जी आ रहे हैं, स्वामी जी और युवराज जी ने नंबर दिया था किसी का तो वो फोन नहीं उठाए महाराज जी, लेकिन फिर भी हम आपके दर्शन के लिए आए महाराज। वाह, स्वागत है हमारा आपके धाम पर, आपके बागेश्वर पर आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा। सागर मंडल बढ़िया है, प्रसाद पा लिया, भोजन हुआ? अभी थोड़ा सा कुछ देर, क्योंकि बाकी मंडल भी नहीं तो चलेंगे, अभी एक व्यवस्था बना दी है। तो ये हो जाए क्रम, अभी प्रसाद पालो, फ्री हो जाओ, फिर अपन बैठ लेते हैं। भक्तों की लगती है न जाने कहां से चल करके आप लोग आए होंगे। हम भी बिहार से चल करके आए हैं, बिहार से एक छोटे से शहर सासाराम से चल के आए हैं। सासाराम माँ ताराचंडी की धरती है, माँ ताराचंडी के आंचल में हम लोग पलते हैं। तो दूर दूर से लोग आए और अपना दुख लेकर के आए और यहाँ निवारण हो गया, आशीर्वाद मिल गया। हम से बोली बागेश्वर धाम की। भक्तों की लगती है हरदम, भक्तों की लगती है हरदम, लंबी कतार है बागेश्वर सरकार की, महिमा अपार है।
दरबार में हो दोनों भाइयों के साथ में ना एक बार जितने लोग हैं ना सारे लोग दोनों हाथों उठा दीजिए, जितने लोग हैं दोनों हाथ उठा दीजिए और जो भी यहां से मांगना है मांग लीजिए। सबका उधार है और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव के ऊपर फलाजी महाराज दासिम कृपा है, अनुकंपा है, तो बालाजी महाराज के लिए तो कुछ होना ही चाहिए। हमारे गुरुदेव सनातन के लिए हर वक्त बात करते हैं, तो हम लोग सनातन धर्म के लिए भी एक गीत बनाकर लाए हैं, इसके बाद उसको भी प्रस्तुत करेंगे। अभी बालाजी महाराज के लिए श्री